आप लोगों को लग रहा है ना मैं नीति का ब्याह जबरदस्ती करवा रही हूँ, मैं चाहूँ भी तो ना ये ब्याह नहीं होने वाला है। अरे जैसे तुम कह रही हो गलत है, हमें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। मुझे बताना था कि मेरी शादी हो चुकी है एक बार। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? नीति शादी के लिए ना करने वाली है। मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम अब शादी के लिए रेडी हो? नहीं, उसकी याददाश्त वाताश्त कहीं नहीं है, वो सब कुछ भुलाने का ढोंग रच रही है। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से सीरियल में जो है ताई जी को ये बार बार ऐसा हो रहा है कि भाई नीति की याददाश्त अगर गई है तो वापस आ गई तो क्या होगा, कहीं नीति परी और राजीव के बीच में फिर से अपना वो अतीत ना लेकर आ जाए। क्योंकि जो नीति है वो हमने जो देखा था कि नीति इतनी पागल थी कि वो परी को मारने पर तुली हुई थी, परी और राजीव की शादी होने ही नहीं देना चाहती थी। तो ताई जी को यही लग रहा है कि इसकी याददाश्त वापस आए, इससे पहले जो है हम इसे कहीं सेटल करा दें। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? नीति शादी के लिए ना करने वाली है। मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम अब शादी के लिए रेडी हो? नहीं, उसकी याददाश्त वाताश्त कहीं नहीं है, वो सब कुछ भुलाने का ढोंग रच रही है। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। परी और बाकी घर वाले बातें कर रहे होते हैं नीति के अतीत के बारे में, जहां पर ताई जी कहती हैं कि परी पुत्र मैं बस चाहती हूँ तुम दोनों का भला और मैं चाहती हूँ नीति का अतीत वापिस आ जाए, या फिर तुम जानती हो अतीत में क्या क्या हुआ था, उससे पहले जो है हम नीति को सेटल करा देते हैं ताकि वो तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाए। अब ऐसे में जो है नीति अचानक से आ जाती है और कहती है आंटी जी किस अतीत की बात कर रहे हैं आप। यहाँ पर परी उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है लेकिन नीति परी से कहती है मैं तुझसे बोल रही थी ना कुछ तो है मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ जो मिसिंग है और मुझे वो जानना है। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में डॉक्टर से और ज्यादा डिटेलिंग में बात की जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं याददाश्त जा चुकी है लेकिन जब आएगी तो कभी भी आ जाएगी। तो यहाँ पर नीति को एक एडवांटेज मिल सकता है कि जहां पर नीति जो है अभी भी ड्रामा कंटिन्यू रखे और उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वो बताए ना किसी को। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।